Hi everyone. So let's look at this question here. This question is from CAT 2022 slot 1, average and allegations ka question hai ye. And it's a fairly doable question. Okay. So dekho, what I wanted to show you through all these questions is ki CAT 22 ka paper difficult nahi tha. Theek hai, bahut log bolte hai ki sir CAT 22 difficult tha. और इवन शो भी होता है ये. ओके, फॉर एग्जांपल अगर देखोगे कैट 21 से अगर कंपेयर करोगे आप, तो कैट 21 से कैट 22 आने में अगर ऑलमोस्ट 14 से 15 मार्क्स का डिक्रीज हुआ है फॉर 99 परसेंटाइल. मतलब अगर कैट 21 में 100 मार्क्स में 99 आ रहा था, तो अभी 85-86 में आ गया कैट 22 में. और जो ये ड्रॉप था ना, ये जो ड्रॉप था, ये मेजर ड्रॉप था क्यू एंड एलआरडीए की वजह से. बिकॉज वर्बल का जो कट ऑफ सेम ही गया है, बल्कि कुछ स्लॉट में एक दो मार्क ऊपर ही गया है. ओके, लास्ट ईयर से. तो क्यू ए एंड एल आर डी वॉज द मेजर प्रॉब्लम. ओके, बट यू लुक एट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अगेन अ वेरी डोएबल क्वेश्चन. पढ़ा है इसको हमने बहुत डिटेल में, और उसका ये इजी वेराइटी आप बोलोगे, ये इजी वेराइटी है. बट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट मोमेंट, क्योंकि आप लोग ना क्या करते हो, न्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं रहते हो, आप फंडा को रिवाइज नहीं करते हो अच्छे से. ओके, दैट्स वाई यू आर इन ट्रबल एक्चुअली. अदरवाइज अगर आप ये थर्ड क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ उसको काउंट करोगे ना, तो अभी जो ये थर्ड क्वेश्चन था, ये तीन क्वेश्चन मिलके आपका 5 मिनट्स में पूरा पेपर, आपका 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए था पूरे पेपर में. 5 मिनट में 3 क्वेश्चन, दैट मीन्स प्लस 9 मार्क. तो फर्स्ट 5 मिनट में आपको प्लस 9 मार्क मिलना चाहिए था, ठीक है. टेल मी यू अग्री विद दिस और नॉट, बताना मेरे को. लुक एट दी 1, 2, 3 क्वेश्चन, और क्या आपका 5 मिनट में आपको 9 मार्क्स नहीं आ जाना चाहिए था स्लॉट 1 में. ओके, अगर आप देखोगे पेपर तो. हाँ, लेट्स सी. देखो ये क्या क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इट सेज दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 600 ग्राम when some new students join the class. If the average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students, then the ratio of the number of original students to the new students is. Okay, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, we draw a line. हम इसके लिए एक line बनाते हैं, है ना. हम बोलेंगे जो नए students हैं यहाँ पे, उनका बोलोगे इनका weight, sorry, जो old लोग हैं उनका, इनका क्या weight है यार. तो जितने भी old students हैं इनका weight कितना है, बोलोगे W मान लेते हैं. तो जो new set of students join किए, इनका weight कितना हो गया, W प्लस 3000 ग्राम मान लेते हैं. बिकॉज ग्राम में था तो मैंने 3 kg को ग्राम में चेंज कर दिया. तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया एलिगेशन में, राइट, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा एलिगेशन एंड एवरेज. सो वन सेट ऑफ पीपल हैव ज्वाइन बाई W, उनका वेट W है, एंड अदर पीपल ज्वाइन, उनका वेट क्या है, W प्लस 3000 ग्राम है. और मिलके अब क्लास का एवरेज कितना हो गया, 600 ग्राम मोर. सो नाउ व्हाट इज द एवरेज, W प्लस 600 ग्राम. ओके, सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो ये आपका डिफरेंस हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आई विल गेट यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो. मैंने पढ़ाया आपको फंडा एलिगेशन का रोदा पे, है ना, बाई सीसॉ मेथड. तो अब बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 600, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2400, करेक्ट. तो है ना, ये डिफरेंस 2400 है, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा. तो अगर अब बोलोगे अगर डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे कितना है, 1:4 है, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, है ना. और हमसे यही पूछा गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ओरिजिनल टू द न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो ओरिजिनल ये जो ओल्ड सेट ऑफ पीपल, इनका 4, और जो न्यू इनका रेशियो कितना हो गया, 1. तो हमारा आंसर क्या हो गया, माय आंसर इज 4:1, दैट्स इट. ठीक है, बोलो, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है ना. सो इट्स ऑल अबाउट करेक्ट सिलेक्शन ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस. तो ये 3 क्वेश्चन भले आप अलग अलग टाइम पे पेपर में सॉल्व कर रहे होते, ठीक है, बट 5 मिनट में आपके ये उस 40 मिनट में से 5 मिनट में आपके प्लस 9 नंबर तो थे, ठीक है. अब आपने इतना अर्थमेटिक किया होता, अगर आपको प्लस 9, आपको बहुत लोगों कैट 21 पढ़ा होगा, कैट 22, और उनको 15-20 मार्क्स आए होंगे, 9 मार्क्स आए होंगे, ठीक है, 9 तो यहीं पे थे. इतना टफ नहीं होता, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करो अच्छे से, अच्छे क्वेश्चंस करो. एग्जाम में जैसे आपका इजी वर्जन मिलेगा, वो बिल्कुल हलवा लगने लगता है पेपर में, ठीक है. इट लुक्स लुक लाइक अ केक वॉक इन द एग्जाम. ओके, सो अगेन आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4 करते हैं, ठीक है. एंड थैंक यू. And also guys, there's an academy offer going on. There's a flat 20% off on all an academy subscription. Yet till January 31st hai. And this is my referral code Ravi Rodha to avail this. Aap isko avail kar sakte ho. तो मैंने अपना अभी जस्ट बैच स्टार्ट ही किया है अराउंड 15th of January. तो मैंने LRDA में अभी हार्डली आई थिंक वी हैव डन सम 10 to 12 sets. थोड़ा हमने स्लो ही स्टार्ट किया था, अभी फैब से थोड़ा पेस पकड़ेंगे, ठीक है. आउट ऑफ 500 sets, तो वी टारगेट टू सॉल्व 500+ sets दिस ईयर इन लाइव क्लासेस, प्लस असाइनमेंट्स हैं, प्लस आपके मॉक्स के सेट मिला के हम लोग टारगेट कर रहे हैं 1000 sets का. एंड देन क्वांट में आई हैव टेकन अराउंड 6 to 7 क्लासेस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस. ओके,
परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं अभी हम लोग, एंड बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे मल्टीपल फंडास किए हैं हमने. ओके तो आप इनको, इनके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग्स के बाद आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो. पूरे ईयर लॉन्ग पूरा साथ ही पढ़ेंगे हम लोग. ओके एंड ये प्राइसेज हैं फॉर दिस 1 ईयर. ओके कैन सी दैट फॉर प्लस एंड आइकॉनिक. आफ्टर रिप्लाई में रेफरल कोड रवि रोधा, ठीक है. आफ्टर यू बाई दिस इज नो बुक, ठीक है. कोई बुक नहीं खरीदना है, सारा कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ. मेरी बुक है अकेडमी पे, प्लस असाइनमेंट्स हैं, LRDA के मॉक्स हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, बहुत कुछ है, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट डैट. ओके चलो, देन सी यू गाइस. थैंक यू.